नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे 26 जून 2022 से लेकर 10 जुलाई 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे पिछले वीक के करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं आ पाए थे, तो इसलिए लगातार 2 सप्ताह के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है उनको हम आज यहाँ पे संडे को कवर करेंगे। तो 26 जून 2022 से लेकर 10 जुलाई 2022 यानी 2 सप्ताह के कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है उत्तराखंड जी के, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एस जी ग्रुप का ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध गाँव है। तो मधुग्राम के नाम से जो प्रसिद्ध गाँव है उत्तराखंड का, वो है ज्योली गांव। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, और ज्योली गांव जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। अब देखो, इस क्वेश्चन के बारे में जैसे कि हमेशा की भांति प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, शहद की वजह से नैनीताल जिले का ज्योली गांव, जिसे मधुग्राम यहाँ पे कहा गया है शहद की वजह से, क्योंकि यहाँ का शहद जो कि देश विदेश तक काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है, और 100% क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। तो इसलिए दोस्तों ये गांव जो कि नैनीताल का ज्योली गांव है, इसको मधुग्राम कहा गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन अनुसंधान केंद्र की रिसर्च टीम ने उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा है। तो वन अनुसंधान केंद्र की जो रिसर्च टीम है, उन्होंने उत्तराखंड के चमोली जनपद में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। कीट भक्षी पौधा यानी जो कीटों का भक्षण करता है ऐसा पौधा। उत्तराखंड के चमोली जनपद की मंडल घाटी में कीट भक्षी पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम क्या है, यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा। ये दोस्तों एक कीट भक्षी पौधा होता है, यानी ये कीटों का भक्षण करता है। यह ज़्यादातर साफ पानी में पाया जाता है, और यह वनस्पति की अन्य प्रजातियों की तरह यह पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन हासिल नहीं करता है। प्लांट क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन ये पौधा क्या करता है दोस्तों, ये पौधा एक कीट भक्षी पौधा है, ये कीटों को खाता है। इस प्रकार से इसके पत्ते मतलब चौड़े रहते हैं, जैसे कोई कीट उस पर आकर बैठ जाता है तो वो बंद हो जाते हैं। तो शिकार के जरिए ये क्या करता है, कीड़े मकोड़े को खाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। अब देखो, ये जो दुर्लभ प्रजाति का ये कीट भक्षी पौधा है, इसका नाम क्या है, यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा, जो कि कहाँ खोजा गया है, हाल ही में चमोली जनपद में खोजा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है दोस्तों ये आगामी एग्जाम के व्यू पॉइंट से। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर्स ई बुक आ चुकी है, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक की कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स ई बुक, जिसमें आपको उत्तराखंड के संपूर्ण करंट अफेयर्स मिल जाएंगे पिछले 6 माह के, और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या जरदारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, सतपाल महाराज द्वारा, जो कि उत्तराखंड के मंत्री हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, संस्कृति विभाग की ओर से घंटाघर स्थित कॉम्प्लेक्स में उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया है, और चित्रकला प्रदर्शनी 6 से 12 जुलाई तक घंटाघर स्थित एमडीए कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। तो 6 दिवसीय क्या है यहाँ पे, ये 7 दिवसीय, ठीक है, 7 दिवसीय ये राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी जो कि 6 से लेकर 12 जुलाई तक ये आयोजित की जा रही है। उद्घाटन किसने किया, सतपाल महाराज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक खिलाड़ियों को प्रतिमाह कितने रुपए की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो जो ये उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है, इसके अंतर्गत 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को प्रतिमाह दिया जाएगा 1500 रुपये छात्रवृत्ति। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का।
और इसकी हाल ही में घोषणा किसने की, जो उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं वर्तमान में, रेखा आर्या। रेखा आर्या जो कि उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है, जो मंत्रिमंडल है उत्तराखंड में वर्तमान में, और साथ साथ इसमें उसमें वीडियो भी बना चुका हूँ उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, तो उसको आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। जरदारी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने यमुना कॉलोनी में खेल विभाग की बैठक ली और खेल मंत्री ने कहा कि उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को 1500 रुपये की प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। और उद्देश्य क्या है, ताकि खिलाड़ियों के अंदर कौशल विकसित हो सके और भविष्य के लिए खिलाड़ी तैयार किए जा सके, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से उत्तराखंड से निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में मुख्यमंत्री धामी ने ड्रोन निर्माण इकाई का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो मुख्यमंत्री धामी ने ड्रोन निर्माण इकाई का शुभारंभ किया है रुड़की में। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। उत्तराखंड के रुड़की में निजी क्षेत्र की एक कंपनी द्वारा स्थापित ड्रोन निर्माण इकाई का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है और इस मौके पर कंपनी ने 2 ड्रोन भी लॉन्च किए हैं। अब देखो, इस ड्रोन का कार्य क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए ड्रोन निर्माण, क्योंकि उत्तराखंड में वैसी बहुत सारी आपदाएं आती हैं, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, तो ड्रोन कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक महत्वपूर्ण पुख्ता जानकारी दे सकता है, तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कंपनी ड्रोन के माध्यम से मैपिंग का कार्य भी करेगी, तो इसके लिए रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, रायपुर में विधानसभा भवन बनाने के लिए कितने हेक्टेयर भूमि को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली है? देखो, जो विधानसभा भवन है उसको, नया विधानसभा भवन उत्तराखंड का, वो रायपुर में बनाए जाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस जो मिली है वो मिली है 60 हेक्टेयर। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखो, यहाँ पे देहरादून के रायपुर में नया विधानसभा सचिवालय भवन बनाया जाएगा और इसके लिए रायपुर क्षेत्र में 60 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव के संबंध में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुकी है। तो नया विधानसभा भवन उत्तराखंड का कहाँ बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस पूर्व विदेश सचिव को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया है? तो श्याम सरन जी को बनाया गया है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष, जो कि पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, पूर्व विदेश सचिव और परमाणु मामलों और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि रहे श्याम सरन को हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया है और वर्ष 2010 में प्रशासन छोड़ने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है और वर्तमान में इन्हें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? तो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में की जाएगी जम्मू कश्मीर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए 200 मीटर स्प्रिंट में किस भारतीय शीर्ष धावक ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है धनलक्ष्मी शेखर ने। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। भारत की शीर्ष धावक है धनलक्ष्मी शेखर और इन्होंने कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए 200 मीटर स्प्रिंट में क्या जीता है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन भारतीय शूटर और टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन विश्व रैंकिंग की 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर काबिज हो गई है? तो भारतीय शूटर है अवनी लखेरा, जो कि यहाँ पे पहले स्थान पर काबिज हो चुकी हैं, और अवनी लखेरा क्या है यहाँ पे, वो है भारतीय शूटर। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव रहित यान अभ्यास यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का भारत के किस राज्य में एकीकृत परीक्षण रेंज का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो मानव रहित यान अभ्यास, इसका जो यहाँ पे एकीकृत परीक्षण रेंज का सफल उड़ान परीक्षण किया गया, उड़ीसा में किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर।
मानव रहित यान अभ्यास यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का ओडिशा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में 29 जून 2022 को सफल परीक्षण किया गया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से किसने हाल ही में डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, डाक कर्मयोगी जो कि क्या है एक ई लर्निंग पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव द्वारा एक डाक कर्मयोगी जो कि एक ई लर्निंग पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और इन्होंने हाल ही में डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। डाक कर्मयोगी पोर्टल विभागीय कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना का शुभारंभ किया है? तो उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने 30 जून को। और ये रैंप योजना क्या है? तो इसमें जो लघु विनिर्माण उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनमें तेजी लाने के लिए विश्व बैंक की मदद ली जाती है और इसका शुभारंभ 30 जून को हाल ही में उद्यमी भारत कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसरो ने हाल ही में किस राज्य के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से इसरो ने हाल ही में PSLV C-53 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसमें सिंगापुर के 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है और साथ ही साथ इसरो के PSLV का ये 55वां मिशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से किसने हाल ही में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो DRDO द्वारा किया गया है यहाँ पे एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण। अब क्या है यहाँ पे ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और इसका कार्य क्या है? तो ये विभिन्न मिसाइल प्रणालियों का क्या करेगा? सफलतापूर्वक मूल्यांकन करेगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसने हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ पे हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की है 29 जून 2022 को, डेट भी आपको नोट करनी है। और यहाँ पे इस बात में प्रकाश डाला गया है कि भारत में तीव्र शहरीकरण को COVID-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से विलंबित किया गया है। जो शहरीकरण हो रहा था भारत में COVID-19 महामारी के कारण, उसमें क्या है अस्थायी रूप से उसमें थोड़ा विलंब हो गया है, यानी शहरीकरण COVID-19 के कारण थोड़ा कम हो गया है। तो ये हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 29 जून 2022 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उड़ीसा सरकार ने। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग में उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है और दूसरा पुरस्कार किसने जीता है? बिहार ने। जबकि तीसरा पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है हरियाणा ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये कैपस्टोन अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है नासा द्वारा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इनके शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इस मिशन कैपस्टोन का नाम है
सिस्लुनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, तो ये भी आपको नोट करना है दोस्तों। तो ये थे पिछले 2 सप्ताह के करंट अफेयर्स क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम यहाँ पे आपके लाए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।